आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी। ये है लौकी जो कटी हुई है स्लाइसेस में, ये देख लीजिए इस तरह स्लाइस में। और ये है कलंजी, ये है नमक, ये है पिसी मिर्च, ये है हल्दी, ये है जीरा, ये है टमाटर और ये है प्याज। बनाने के इसके लिए हमें चाहिए होगा जीरा, ये हम 1 टेबल स्पून है, हमें सारा डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से चला लें। जीरा हमारा पक रहा है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी प्याज कटी हुई, प्याज हमने ली थी 2 से 3 प्याज और इसको हम ऑयल में ऐड कर रहे हैं और अब हम बच्ची तरह से पक रहे हैं। ऑयल हमने लिया था 4 से 3 टेबल स्पून, बाकी आप अपने हिसाब से यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, किसी के यहाँ ज़्यादा यूज़ होता है किसी के यहाँ कम। हम प्याज अच्छी तरीके से भून लेंगे, अच्छी तरीके से पकने लेंगे, थोड़ा सा फ्लेम और तेज कर लेंगे ताकि इजीली पक जाए। प्याज हमारी पक रही है, हम इसको नरम होने तक इंतज़ार करेंगे इसका। ये जब नरम हो जाएगी फिर इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे, भी हो गई हल्की सी ब्राउन ब्राउन सी भी हो गई सही है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से अब इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे अपने 1 टेबल स्पून जीरा मिर्च, ये थोड़ा छोटा चमचा है इसलिए 1 टेबल स्पून करेंगे इसके अंदर। 1/2 टेबल स्पून हल्दी और ये 1 टेबल स्पून हम डालेंगे नमक, बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसको। और स्पाइस को हम यानी मसालों को हम मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा फ्लेम तेज कर लेते हैं ताकि हमारे टमाटर पक जाए। टमाटर पकने का हम इंतज़ार करेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसको 10 से 5 मिनट तक हम ढक देंगे ताकि ये टमाटर हमारे नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। इसमें स्पून चला लेते हैं, सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं टमाटर, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर। अब हम इसे भूनेंगे इस तरीके से, देखें टमाटर बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखें। इसका वाटर ड्राई होने तक का हम वेट करते हैं, इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसको भुनाई करेंगे। टमाटर का पानी खुश्क नहीं, अभी थोड़ा पानी है इसके अंदर, 5 से 10 मिनट ये और पकेगा फिर इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम लौकी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसका पानी ड्राई हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे तेज फ्लेम ऑन करके अपना। अच्छी तरीके से प्याज और टमाटर भून चुके हैं हमारे, देख लीजिए एक प्याज और टमाटर एक तरीके से अच्छी तरह हमने
लौकी ऐड करेंगे। लौकी करेंगे, लौकी ऐड करने के बाद इसमें हम अपनी कलौंजी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। आपकी मर्जी आप ऐड करें या ना करें। और इसी तरह से इसको पका लेंगे। इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे, 1/2 कप, ताकि हमारी लौकी गल जाए अच्छे तरीके से। ये देखें मैंने कितना पानी डाला इसके अंदर, और फिर इसको गलने के लिए रखा थोड़ा और। इतना पानी हम ऐड कर दें इसके अंदर ताकि लौकी हमारी गल जाए। जब तक हम इसको पकने देंगे 10 से 15 मिनट में हमारी लौकी गल जाएगी। व्यूज ये रेडी है, ये देखें हमारी लौकी तैयार हो चुकी है और अच्छे तरीके से पानी भी खुश्क हो गया है और लौकी भी गल चुकी है हमारी और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें 1 कटी हुई और इसको खूब अच्छी तरह चला कर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो इसके बाद हम सर्विंग तैयार है, हमने इसकी सर्विंग कर ली है। आप इसको रोटी के साथ भी ले सकते हैं, राइस चावल के साथ भी ले सकते हैं, जैसा आपका दिल हो। लौकी हमारी बिल्कुल रेडी है और सर्विंग भी हो गई है। चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी मिलेंगे।